अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 3 के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग टूल्स यानी सिलेक्शन टूल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगॉन टूल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लैजो एंड मैग्नेटिक टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे मूव सिलेक्शन टूल यानी क्विक सिलेक्शन टूल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक भी हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का दिया था और अभी आपको पॉलीगॉन लैजो एंड मैग्नेटिक टूल के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख ले फिर आप ये वीडियो वॉच करें। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एंड फॉलोअर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल के मतलब सीखे गए जिसमें हमारे पास क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैंड टूल आ जाता है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिलेक्शन टूल किस लिए यूज़ किया जाता है। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने सीखा था ये लैजो टूल पॉलीगॉन और मैग्नेटिक लैजो टूल के मतलब ये टूल्स हमारे पास सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्विक सिलेक्शन वगैरह भी हमारे पास सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक पिक यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक हमारे पास मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो हम चाहते हैं कि इस पिक का में जो मैन है उसका मैन का हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर दें और कोई बैकग्राउंड दूसरा यहाँ पर हम लगा लें। तो यहाँ पर हम लोग इसे लैजो टूल पॉलीगॉन लैजो टूल और मैग्नेटिक लैजो टूल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्विक इसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक टूल क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल को यूज़ करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और आपने जिस को क्विक सिलेक्शन टूल को आपने फ्लो कर देना है। जैसे कि यह देख सकते हैं मैंने हेयर के ऊपर क्लिक किया तो ये के हेयर सिलेक्ट हो गया। आपने सिंपली आपने जिधर इसे सिलेक्ट करने वहाँ पर आपने लेफ्ट क्लिक के साथ माउस को ड्रैग करते जाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे सेलेक्ट ईजिली किया जा रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ होगा कि यहाँ पर ये वाइट एरिया अभी भी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आपने सबसे पहले माउस ये इसका आपने साइज़ छोटा कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा साइज़ 5 है। आप इसे कीबोर्ड के ज़रिए भी स्मॉल और आप इस डिक्रीज़ और या इंक्रीज़ इसका साइज़ को कर सकते हैं। आपने सिंपली कीबोर्ड की में आपको एक की मिल जाएगी, आपको ये आपको सामने शो होगी, इन की को आपने प्रेस करना है तो आप डिक्रीज़ करेंगे साइज़ को। और अगर आप अब ये वाली की को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ इंक्रीज होगा। तो मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम लोग नीचे तक ले आते हैं। देख सकते हैं अगर मैं प्लस वाले क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करता हूँ तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर भी सिलेक्शन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर भी ऑल्ट के बटन के साथ आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन आ चुका है, यानी कि अब ये सिलेक्शन हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पर नेगेटिव से सिलेक्शन कर लेनी है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर बात करें तो हेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर हमारे पास कुछ सिलेक्ट नहीं हुए, हमने हेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हेयर्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग रिफाइन एज में जाएंगे जिससे हम लोग हेयर को हम लोग रिफाइन कर लेंगे, जो वाइट एरिया हमारे पास हो रहा है उसे ख़त्म कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हेयर में हमारे पास कुछ वाइट एरिया शो हो रहा है, हम लोग से सिंपली साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रश का और यहाँ पर हम वाइट एरिया पर इसको फ्लो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हेयर से हमारे पास बैकग्राउंड पिछला रिमूव हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिलेक्शन हो चुकी है। क्विक सिलेक्शन से हमने कंट्रोल जे से एक लेयर बना लेंगे जिसमें सिर्फ मैन ही होगा विदाउट बैकग्राउंड के। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग कलर दे देते हैं ब्लैक और यहाँ पर हम लोग पेंट बकेट टूल में चले जाते हैं। पेंट बकेट टूल हमारे पास पेंट करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग सिंपली ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से यहाँ पर हम लोग पेंट कर लेंगे। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये
जो मैन है यहाँ पर इसके आउटलाइन वाइट कलर शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने मैन के लेयर को सिलेक्ट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं लेयर, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर आपको वापस मिल जाएगी। आपने W का बटन प्रेस करना है जिससे आपका टूल सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फिल्टर लगा देना है टूल का। अब कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ सिलेक्शन को इन्वर्स कर देना है, इन्वर्ट। तो आपने डिलीट को 2-3 बार प्रेस करना है। एक तो डिलीट करने के बाद आपने कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो वाइट आउटलाइन की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर अभी भी कुछ वाइट एरिया है, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इसे रिमूव कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड यहाँ पर टेस्ट वगैरह इंसर्ट करने से पहले हम इसे थोड़ा थोड़ बेहतर कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ हम लोग कैमरा रॉ को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, हाईलाइट -16 तक डिक्रीज़ कर लेंगे, शेडो हम लोग थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं, और ब्लैक्स को भी थोड़ा हम लोग डिक्रीज़ कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ये पर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस स्क्रीन को भी स्मूथ कर लेते हैं। वीडियोस में आपको स्क्रीन को रिटच करना भी सिखाया जाएगा, जिसमें आप जैसा कि ये देख सकते हैं स्क्रीन को किस तरह हम रिटच कर रहे हैं, ये भी आपको सिखाएंगे कैसे स्क्रीन को रिटच करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन को हम कितना अच्छे तरीके से हमने रिटच कर लिया है। अब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ कैमरा रॉ ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऑरेंज को डिक्रीज कर लेंगे ताकि कलर ज़्यादा बेहतर शो हो। यहाँ पर हम कुछ टेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट लगा लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा अपने टेस्ट लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लीनियर लाइट सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल से लेवल्स को ओपन कर लेते हैं, जिससे हम लोग लेवल्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। साइज को बढ़ाने के बाद कर लेते हैं, और कोई और मीडिया से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने टेस्ट लगा लिए हैं। यहाँ पर आप क्विक सिलेक्शन टूल से कितनी इजीली आप यहाँ पर सिलेक्शन करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम लोग कैसे मैजिक वैंड टूल्स की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसे हम पहले इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। आपने अब यूज़ करें सिलेक्शन टूल के बाद मैजिक वैन टूल की हम बात करते हैं। मैजिक वैन टूल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैजिक वैन टूल हमारे पास सॉलिड कलर पर यूज़ किया जाता है, जिस पिक का बैकग्राउंड हमारे पास सॉलिड हो, यानी एक बैकग्राउंड एक कलर हो, जैसे कि ये पिक में वाइट बैकग्राउंड है, हम इसके ऊपर क्विक ये मैजिक वैन टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट कर लेना है, और उस एरिया पर आपने सेलेक्ट क्लिक करना है जो आप नहीं चाहते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वाइट ये बैकग्राउंड इसमें
के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसे नहीं चाहता, तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। और आगे यहाँ पर अगर देखें तो अगर राइट साइड पर आप देखें तो यहाँ पर ग्रे कलर है, तो ये ग्रे कलर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आपने इसे सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आपने इधर भी क्लिक कर देना है, और जिधर आप जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने वहाँ पर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितना इजीली हम लोग किसी भी एरिया को इसकी मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने अब यहाँ पर डिलीट की यहाँ पर इसमें लॉक ओपन करने के बाद हमने डिलीट की प्रेस करनी है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल हम कितनी क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल से कितनी ईजिली हम किसी भी एरिया को कट कर सकते हैं। तो ये आप इनकी मदद से आप इजीली आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी मदद से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप हर कोई एरिया को आप रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल की। तो जैसा कि आपको पता है क्रॉप टूल तो हमारे पास सिंपली किसी भी पिक को क्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ, अगर मैं खाली इसका फेस कर क्रॉप करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमने क्रॉप फेस को कर लेगी। हम सिंपली इस क्रॉप टूल क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हमारे पास एक एरिया को हमारे पास जैसे कि ये पिक हमने क्रॉप की अब सेलेक्ट कर लिया, हमने अब इसे एज ए थ्री फॉर्म में शो करना है, तो हम लोगों ने सिंपली इसे अपनी डिज़ाइनिंग के शो में भी हम लोग इसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे क्रॉप कर रहे हैं। यह एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव टूल के साथ हमारे पास कितनी हैवी पिक बन गई है, हमारे पास एक फनी पिक भी यहाँ पर इसे हम लोग पर्सपेक्टिव टूल से हम लोग कर सकते हैं। स्लाइस टूल हमारे पास यहाँ पर जो स्लाइस है ना, स्लाइस सेलेक्ट टूल हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत कम यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में एक पिक को हाइपरलिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग मज़ीद उसके मुतल्लिक सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।